जिस तरह से एक मोमबत्ती बिना आग के खुद नहीं जल सकती, उसी तरह एक इंसान बिना आध्यात्मिक जीवन के जीवित नहीं रह सकता। शब्दों को बोलने से पहले ध्यान रखिए कि सुनने वाले पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा। आपको जो कुछ मिला है उस पर घमंड ना करो और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करो। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी भी मन की शांति नहीं मिलती। हजारों खोखले शब्दों से बेहतर है एक वो शब्द जो शांति लाए। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं तो हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयास करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसे 50 संकट है, और जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस एक मौत की छवि है।